का प्ले था, आई होप सारी फैमिली साथ में देखें। मैं तो अब संडे को मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको अगले शो में लेके आने वाली हूँ। दिस इज़ सो नाइस, लाइक उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर की कहानी कोई स्टेज पे इनैक्ट कर रहा है। आई थिंक वो जो रिलेटेबिलिटी थी वो इतनी हाई थी कि हैट्स ऑफ टू सौम्या, क्या लिखता है। मतलब मैंने उनको इससे पहले कॉन्टैक्ट किया था अप्रिशिएट करने के लिए, जब मैंने उनका काम देखा फाड़ू में देखा, उन्होंने लिखी थी जो 102 नॉट आउट लिखी थी, बट दिस इज़ लाइक दिस हैज़ हिट होम। तो इसलिए अब नेक्स्ट शो में मुझे मैं पब्लिसिटी करूँगी इस प्ले की। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कम आता है कि ज़्यादा आता है, इतने सारे मैंने प्लेस देखे नहीं है जिसके अंदर मैं बोलूँ कि अच्छा ये ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। मैं इस प्ले की बात करूँगी कि एक ऐसा प्ले है जो आपको पूरी अपनी फैमिली के साथ मिलकर देखना चाहिए, बहुत आपको हंसाएगा रुलाएगा सारे मूवीज। इट्स इम्पैक्टफुल फॉर बोथ द जनरेशंस, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलीज टू वॉच इट टुगेदर, बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर बोथ द जनरेशंस, योर एल्डर्स एंड योर प्रेजेंट जनरेशन। लग तो रहा है मुझे बनेगी, मुझे लग रहा है बनेगी, क्योंकि एकदम पेटेंट मटीरियल है ये तो फिल्म के लिए। मतलब आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर नहीं बने, मैं कोई धमाका नहीं करने वाली हूँ। जो भी वही हमारा जो काम है वही कर रही हूँ, जब पिक्चर रिलीज होगी आपको दिख जाएगी, जब आपको दिखेगी समझ में आ जाएगा। प्लीज़ जब पिक्चर आएगी तो देख लेना मेरी, अगर मेरे फैंस हो तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। करीब दोस्त अभिजात जोशी के भाई ने लिखा है और एक्टिंग भी कर रहे हैं इस प्ले में। और बहुत साल पहले अभिजात, जब उस वक्त हम कौन सी फिल्म कर रहे थे, या तो पीके कर रहे थे या तो संजू कर रहे थे, अभिजात मुझे कह रहा था कि उनके भाई एक प्ले लिख रहा है, बहुत ही कमाल का प्ले है, उसमें एक ये सीन है और ये सीन है, और दो चार सीन के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया। उसे भी 8 साल हो गए जो, और ये प्ले ने 800 शो कर चुके हैं गुजराती में, ये दूसरा शो है हिंदी में, दूसरा हिंदी में प्रीमियर हो रहा है। तो वो जो सीन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, आज मैं स्टेज पे देख रहा हूँ और मुझे ऐसा एक सरियल फीलिंग आ रहा है कि कैसे कोई एक थॉट जो है, जो हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक फैमिली मेम्बर, हर एक बाप, हर एक बेटा, हर एक बीवी, हर एक माँ के लाइफ से एक जुड़ा हुआ रहता है और हमारे दिमाग और दिल में फंस जाता है। आज मैं देख रहा हूँ और इतने कमाल से उन लोगों ने परफॉर्म किया है, और वो सीन जो सीन अभिजात ने उस वक्त मुझे उसकी जिसकी जिक्र की थी, आज मेरे सामने परफॉर्म किया जा रहा है। आई फील सो प्राउड और इतनी खुशी हो रही है ये प्ले देख के कि मुझे लगता है एक तो ये तो सुपर हिट प्ले ही है, पहले से 800 शो कर चुके हैं गुजराती में, आज हिंदी में देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली ये एंटरटेनमेंट के ज़रिए एक आईना दिखा देते हैं अपने आप को कि आप कौन हैं, आपकी क्या लाइफ में इच्छाएं हैं, व्हाट आर योर विशेज, व्हाट आर योर ड्रीम्स, और आप में क्या खामियां हैं और आप में क्या गलती है, और वो गलती को हम मानने को राज़ी नहीं है क्योंकि मैं बाप हूँ, या मैं मानने को राज़ी नहीं क्योंकि मैं खुदगर्ज बेटा हूँ। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हम कितने भी कम स्टूपिड लोग रहेंगे जो ऐसे हम बिहेवियर करते अपने ऐसे लोगों के साथ जो हमें इतना चाहते, इतना लव करते, लव इतना है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्लेस को हमें देखना एज फैमिली पीपल, बेसिकली एक आईना दिखा देते कि आप कितने अच्छे से पेश आते हैं और कितने बुरी तरह पेश आते हैं, दोनों बहुत बहुत अच्छी कुछ आप। तो डंकी की शूटिंग खत्म होगी, मैं मेरी फिल्म ये दूसरे चार या पांच महीने में मेरी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट करूँगा, काम चालू है उसका, एंड बाय दिसंबर इट शुड बी रेडी। मेरी खुद की फिल्म जो मैंने लिखी है, प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट की है।